नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और हम कर रहे थे रीजनिंग का। हम लोगों ने किया था क्लॉक टॉपिक। क्लॉक के हम लोगों की दो वीडियो अपलोड हो चुकी है। वीडियो वन के अंदर हम लोगों ने दो चीजें निकालनी सीखी थी। एक तो सीखा था एंगल निकालना, मतलब कोण निकालना, और दूसरा सीखा था हम लोगों ने अतिव्यापन का केस। अतिव्यापन मतलब ओवरलैप। ओवरलैप मींस एक सीर, एक सीर मींस एक दिशा, ये वाली सीखी थी। ठीक है, भी घड़ी की तो दोनों सुइयां वो अतिव्यापन कब करती है, ओवरलैप कब करती हैं, एक सीर में कब आती है, एक दिशा में कब आती है। दूसरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने फिर दो टाइप की थी। कौन कौन सी? एक ही थी हम लोगों ने विपरीत दिशा वाली, यानी अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट वो कब हो जाती है, ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, इसी का दूसरा हमने क्या देखा था, अपोजिट विपरीत वाले के अलावा हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरी चीज हमने इस पे की थी कि समकोण या फिर लंबवत कब होती है। समकोण या फिर लंबवत कब होती है जी, घड़ी के दोनों सुइयां। तो हम लोगों ने टोटल ये चार टाइप की थी। अब हमारे पास क्लॉक की पांचवी टाइप हमारे पास क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस टाइप के। क्लॉक के अंदर मिसलेनियस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए जी, मान लो हमारे पास ये बोल दिया कि घड़ी है, घड़ी की, अब मैंने घड़ी की बात की तो घड़ी की मैंने आपको पहले से, जब घड़ी की बात होगी तो हम एनालॉग घड़ी की बात करें ना कि डिजिटल घड़ी की बात करेंगे। एनालॉग घड़ी क्या बताई थी मैंने आपको कि एनालॉग घड़ी हमारे पास ऐसी होती है 12, 3, 6 और 9, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर हमारे पास 7 और 8, यहाँ पर हमारे पास 10 और 11, ये चीज है हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस में क्या बताया, ये मिसलेनियस में क्वेश्चन हमसे पूछता है, अन्य पर्सन हमसे पूछता है, क्या पूछता है अन्य पर्सन, कहा कि एक घड़ी जब 1 बजते उस पर तो 1 बार टन की आवाज आती है। आजकल वाले पेंडुलम वाली घड़ी, उनके अंदर जैसे थे जितने बजे उतनी बार वो बजती है, 1 बजे की 1 बार टन की आवाज आएगी, 2 बजे 2 बार टन की आवाज आएगी, 3 बजे की ऐसे 3 बार टन की आवाज आएगी, जैसे 4 बजेंगे 4 बार टन की आवाज आएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जब ऐसा प्रोसेस होता है तो घड़ी में कितनी बार अपने को टन की आवाज सुनाई देगी, ये बात हमसे पूछी गई है। क्या दोबारा से क्वेश्चन रिपीट किया था, क्या बोला, एक घड़ी 1 बजने पे 1 बार बोलती है, 2 बजने पे 2 बार बोलती है, 3 बजने पे 3 बार बोलती है, ऐसे 4 बजने पे 4 बार, और सो ऑन ऐसे चलती जाती है इसी प्रकार से। तो पूरे एक दिन वो कितनी बार बोलेगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या चीज है क्या नहीं है जी। हमसे देखिए, हमसे क्या पूछा गया कि 1 बजने पे 1 बार, 2 बजने पे 2 बार, इन सब का देखो ऐसे करते करते ऐसे 4 बजने पे 4 बार, 5 बजने 5 बार, 6 बजने 6 बार, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9, 10 पे 10, 11 पे 11 और 12 पे 12, ये चीज हमारे पास जुड़ेगी। क्योंकि देखो किसी के अगर मन में यह 12 बजते 12 बजे ऐसा नहीं जी, 1 बजने पे 1 बार तो बजी, 2 बजने पे 2 बार और बजी, मतलब कितनी बार टोटल 3 बार हो गई, ऐसे 3 बजने पे 3 बार, 3 और 3 कितनी होगी हमारे पास 6 होगी, ऐसे निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 1 से n तक की संख्याओं का योग निकालना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n(n+1) बटा में हमारे पास कितना होगा 2। आप सीधा जोड़ भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है हमारे पास, n मतलब 12 बजे तक, 12 × 12 + 1 = 13 बटा में 2, कितने पे आया हमारे पास 78। तो n तक की संख्याओं का योग, 1 से 12 तक की संख्याओं का योग कितना बना हमारे पास 78। जब हमारे पास बोलता है पूरे एक दिन में कितनी बार बजती है, जब पूरे एक दिन की बात करते हैं तो 24 घंटे आते हैं जी, जिसके अंदर एक दिन और एक रात आती है, यानी दिन में 78 बार बजेगी, ऐसे रात को भी तो 1 से दोबारा शुरू हो जाएगा प्रोसेस, तो 78 बार दोबारा बजेगी, तो 78 कितना हो गया हमारे पास टोटल 156 बार उसमें टन की आवाज अपने को सुनाई देगी। ठीक है जी, आया क्वेश्चन समझ में, दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1 से 12 तक का हमारे पास, जैसे 1 बजे का 1, ऐसे हमारे पास 12 बजे तो 12 बार टंडन की आवाज सुनाई देगी। तो 1 से 12 तक की संख्याओं का हम लोगों ने योग ले लिया, जोड़ लिया, तो इनका जोड़ कितना बना हमारे पास 78 बना,
78 दिन में और वही 78 हमारे पास रात में, दोनों को टोटल किया तो कितने बार, 156 बार हमें टन टन की आवाज सुनाई दी। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक घड़ी है वो एक घंटे में एक मिनट तेज हो जाती है। अब एक मिनट तेज हो जाती का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, घड़ी है वो एक घंटे में एक मिनट तेज हो जाती है। अब तेज हो जाती का मतलब क्या है, जैसे हमारी घड़ी कई बार खराब हो जाती है, टाइम कम ज्यादा बताने लग जाती है, तो तेज का मतलब ज्यादा बताने लग गई, मतलब क्या है, वो तेजी से चलने लगी। जैसे मैंने मान लो 12 बजे उसको ठीक मैच कर लिया, उसको 12 जो मैंने मैच किया कि हमारा घड़ी बिल्कुल सही है, जैसे 1 बजेगी तो जो घड़ी खराब है वो 1:01 शुरू कर जाएगी, 1 मिनट आगे चली जाएगी। ऐसे जब 2 बजेंगे तो वो 2:02 शुरू करने लग जाएगी। ऐसे 3 बजेंगे तो 3:03 शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है जी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक घड़ी एक घंटे में एक मिनट तेज हो जाती है, यदि उसे रविवार को प्रातः 5 बजे मिलाया गया बुधवार को प्रातः 9 बजे क्या समय दर्शाएगी। ये क्वेश्चन है जी। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या चीजें देखनी है, हमारे पास देखनी क्या है, हमारे पास क्या बोला गया कि रविवार को प्रातः 5 बजे मिलाया गया। फिर हमारे पास सोमवार के प्रातः 9 बजेंगे, फिर हमारे पास मंगलवार के 5 बजेंगे, उसके बाद हमारा बुधवार का 5 बजेगा, फिर हमारे पास बुधवार के 9 बजेंगे। ये वाली बात है जी। अब देखिए क्या है हमारे पास इसमें, जब रविवार से सोमवार के 5 बजे होंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे हमारे पास, 24 घंटे हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास अगले वाले भी कितने हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। ऐसे अगले वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ये 4 घंटे और हो जाएंगे, तो कितने बने हमारे पास, 24, 48 और 72, और 4 कितना होगा हमारे पास, 76, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास, 76 घंटे हो गए जी। अब जब एक मिनट में एक घंटे में एक मिनट आगे चली जाती है तो 76 घंटों में 76 मिनट आगे चली गई होगी। अब 76 मिनट अगर आगे चली गई होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 60 प्लस में 16, 60 पर हमारा घंटा हो जाता है और 16 मिनट हो गई हमारे पास, तो टोटल क्या है हमारे पास, 1 घंटा 16 मिनट आगे चली गई। यानी जब बुधवार को प्रातः 9 बजेंगे तो 1 घंटा आगे जाऊं तो 10 बज गए और 16 मिनट और जाऊं तो 16 मिनट हो गए। तो क्या आया, तो वह बुधवार को 10:16 समय दर्शाएगी। जब हमारे पास बुधवार को प्रातः 9 बजेंगे तो हमारे वाली घड़ी क्या बताएगी, 10:16 हो गए। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया, इस बार थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे हम। क्या चेंजिंग किया, मान लिया कि एक घड़ी एक घंटे में 2 मिनट मंदी हो जाती है। क्या बोला गया, एक घड़ी है वो एक घंटे में 2 मिनट मंदी हो जाती है। मंदी हो जाती का मतलब क्या, मतलब धीरे धीरे चलती है। जैसे मान लो 1 घंटा हुआ, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 बजे हमने मिला है, जैसे 1 बजेगा तो उसमें 1 नहीं बजा,
अभी भी हमारे पास 12:58 समय दर्शा रहा है वो, क्योंकि 2 मिनट मंदी चल रही है। जैसे हमारे पास 1 बजेगा तो वो क्या दर्शाएगा हमारे पास, सॉरी जैसे हमारे पास 2 बजेंगे तो वो दर्शाएंगे हमारे पास 1:56, मतलब 2 मिनट पिछले वाले घंटे में, 2 मिनट अगले वाले घंटे में, 4 मिनट पीछे चलेगी, ऐसे पड़ता जाएगा हमारे पास। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं किसी वाले की, कि एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट मंदी हो जाती है, यदि उसे सोमवार को प्रातः 9 बजे मिलाया जाता है, सोमवार को प्रातः 9 बजे मिलाया जाता है, तो वह बुधवार को प्रातः 9 बजे क्या समय दर्शाएगी? सेम वही, सोमवार को 9 बजे मिलाया, फिर हमारे पास मंगलवार के 9 बजेंगे, फिर हमारे पास बुधवार के 9 बजेंगे। इस बार मैंने ऊपर नीचे नहीं लिया, पूरा कंप्लीट ही लिया है ताकि अच्छे से समझ आए। ये 24 घंटे हुए, अगले वाले हमारे पास 24 घंटे, टोटल कितने हो गए हमारे पास 48 घंटे हो। ठीक है, जब 1 घंटे में 2 मिनट मंदी हो जाती है तो 48 घंटों में कितनी मंदी हो गई होगी? 96 मिनट मंदी हो गई। अब 96 मिनट का मतलब क्या है? 60+36 और 60 में घंटा हो जाता है, यानी 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। तो क्या हुआ, जब बुधवार को 9 बजेंगे तो मंदी का मतलब पीछे चले जाओ, 1 घंटा बैठ गया, 8 बज गए, लेकिन अभी भी 36 मिनट और बैठ जाना है, 36 मिनट और बैठ जाऊं तो 7:24 वो घड़ी है समय दर्शाएगी थी। क्या बताएगी? 7:24 हुए हैं जी, ये मंदी वाला केस आ गया हमारे पास। ठीक है जी, एक क्वेश्चन इसी का, मंदी और तेज वाली का हम लोग और कर लेते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन कुछ आ गया? मुझे कहा गया कि एक घड़ी जो है वो 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, आगे भाग जाती है जी, 12 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे मंगलवार को प्रातः 7 बजे मिलाया गया, 7 बजे उसको सही कर दिया गया था जी, तो वह बुधवार को, दोपहर 12 बजे क्या समय दर्शाएगी? ठीक है, अब क्या है हमारे पास, देखिए मंगलवार आया हमारे पास और मंगलवार के हमारे पास बुधवार, मंगलवार के 7 बजे, फिर बुधवार के 7 बजे और फिर हमारे पास बुधवार के 12 की बजाय पूरा 2 ले लीजिए, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, 2 बजे का ले लेते हैं कि 2 बजे हमारे पास आया। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये 24 घंटे हो गए, अगले वाले हमारे पास देखो कितने हो हमारे पास, 5, 2 नहीं 1 ले लिया, एक लेने के बाद हमारे पास कितने घंटे और हो गए, 6 ही हो गए, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास, 30 घंटे हो गए। 7 वाले से भी करवा दूंगा, पहले एक बार विदाउट फ्रैक्शन कर लेते हैं, 30 घंटे हमारे पास हो गए। जब 5 घंटों में 12 मिनट तेज हो जाती है तो 30 घंटों में कितनी हो जाएगी, देखो उसको 6 से गुणा करके 72 मिनट तेज हो जाएगी, और 72 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60+12, इसका मतलब क्या, 1 घंटा 12 मिनट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी।
यानी जब दोपहर के 1 बजेंगे बुधवार को, तो उस घड़ी में 1 घंटा आगे गया तो 2:12 और, तो यानी उस घड़ी में कितना समय बरसाएगा, 2:12 हो गए। ठीक है, 2:12 हो गए, ये समय हमारे पास दर्शाएगा। ठीक है जी, आया समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। थैंक यू।